नमस्कार दोस्तों, जिस टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ वो बिल्कुल भिन्न विभिन्न है। वो ये है कि कैसे आप 1% कंपनी को क्लोज़ कर सकते हो, कैसे आप अपनी 1% कंपनी को इंडिया में क्लोज़ कर सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या हिसाब किताब है, सारी चीज़ें आइए जानते हैं। दोस्तों, ओपीसी जो होती है वन डायरेक्टर वन शेयर होल्डर की कंपनी होती है और इसको 1% कंपनी बोलते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू प्रमाणित होती है। अगर बात करें हम नटशेल में तो आइए बात करते हैं क्लोजर के बारे में। अगर कोई ओपीसी ऑपरेटिव नहीं है, मतलब काम नहीं कर रही है एक साल से ज़्यादा, तो जब से वो बनी है तब से उसके बाद से कंपनी का जो ओनर है ओपीसी का, वो उसे क्लोज कराने के प्रोसेस में जा सकता है फास्ट ट्रैक एग्जिट के थ्रू। अगर वो वाउंड अप हो रही है वॉलंटरली, इफ नॉट सो इट कैन वाउंड अप वॉलंटरली, मतलब वॉलंटरली वो ऑर्डर ले सकते हैं ट्रिब्यूनल से कि हाँ जी बंद करा दो इसको, एज इवन दो इट्स इन ऑपरेटिव। ये इन ऑपरेटिव है और कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है कि जितनी भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है वो पूरी करी जाए, रेगुलर रिटर्न्स भरी जाए, क्लोजर डॉक्यूमेंट्स कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दिए जाएँ, तभी वो बंद होगी। और ये बेटर है कि हाँ जी आप फाइल करें क्लोज़र के लिए, मेंबर ऑफ कंपनी रिलीव्ड हो जाएंगे इससे और आपकी लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी पूरी हो जाएंगी 1% कंपनी की। दोस्तों, मेथड क्या होते हैं 1% कंपनी को क्लोज़ कराने के, बंद कराने के? वाइंडिंग अप एक बहुत एलाबरेट प्रोसेस है और नेसेसरली इम्प्लीमेंट किया जाता है कंपनी के असेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर। दोस्तों, वाइंडिंग अप के प्रोसेस में लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, मैनेज करता अफेयर्स वाइंडिंग अप का, डिसोल्यूशन होता है, होल्डिंग मीटिंग मतलब एक मीटिंग होल्ड कराई जाती है, 2/3 ऑफ द क्रेडिटर पार्टिसिपेट करते हैं, देन मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड सबमिट करता है कमर्शियल रजिस्टर रिक्वेस्ट पे, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या कंपनी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। तो मेंबर डिसोल्यूशन रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग्स पास होते हैं। दोस्तों, दूसरा मेथड क्या है? स्ट्राइक ऑफ और रिमूवल ऑफ ओपीसी 1% कंपनी थ्रू फास्ट ट्रैक एग्जिट स्कीम के थ्रू। स्ट्राइक ऑफ जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू होता है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, कंडीशन ये फॉलो करनी पड़ती हैं कि उस कंपनी में कोई असेट्स और लाइबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए और वो प्रॉपरली उसके जितने भी कंप्लाइंस वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे फाइल्ड होने चाहिए कंपनी के द्वारा। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि हाँ जी कुछ फाइल नहीं हुआ हो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल ना हुआ हो, उसके कंप्लाइंसेस पूरे ना हो। आपको असेट्स और लाइबिलिटीज ज़ीरो रखने हैं तभी वो ओपीसी क्लोज हो सकती है। कंपनी के जो गेन स्टेटस है वो आ जाएगा डॉर्मेंट कंपनी, क्योंकि उसने कोई एक्टिविटी नहीं करी है शुरुआत से लेके अब तक और एक साल हो गया है, तो कंपनी डिफंक कंपनी मानी जाती है और इजीली वाइंड अप हो सकती है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू ST-K2 फॉर्म भर के। ये बहुत इजी मेथड है और सबसे ज़्यादा प्रचलित यही मेथड है। इसमें कॉस्ट भी कम आती है और काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। तो यदि आप ओपीसी कंपनी को क्लोज कराना चाहते हो अपने, तो स्ट्राइक ऑफ का मेथड ही फॉलो करें। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप क्लोज करना चाहते हो 1% कंपनी को? कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होता है, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है कंपनी की रिसेंट ईयर्स की, 30 डेज ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन के थ्रू जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए वो चाहिए, डिटेल चाहिए होती है कंपनी की ऑपरेटिव जितनी भी पीरियड की है वो, एंड जितने भी ऑपरेशंस जो डिसकंटिन्यू किए थे वो सारे चाहिए, और इसके अलावा चाहिए स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंडिंग लिटिगेशन। अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है जिसमें कंपनी इन्वॉल्व थी तो उसकी स्टेटमेंट चाहिए। कंपनी मस्ट प्रोवाइड NOC क्लोजर फ्रॉम क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपनी लेगी कि हाँ जी उसके सारे क्रेडिटर तृप्त हैं, सेटिस्फाइड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्लोजर का ऑप्टेन करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सेबी से, RBI से, अगर वो उस तरीके से काम कर रहा है। अदरवाइज इजी प्रोसेस है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी आप में आपकी इसमें मदद कर सकता है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों 1% कंपनी क्लोज कराने का। अब प्रोसेस ओपीसी का स्ट्राइक ऑफ का होता क्या है? पहले कलेक्शन होगी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, फिर ड्राफ्टिंग होगी रेजोल्यूशंस की जो नेसेसरी होंगे, एफिडेविट बनेगा, इंडेमनिटी बॉन्ड बनेगा, अदर डॉक्यूमेंट जाएंगे, ड्यूली एग्जीक्यूटेड एफिडेविट 7 इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ प्रोवाइड करेंगे साइन डॉक्यूमेंट्स आफ्टर रिव्यूअल के बाद,
प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन होगी फाइलिंग मोड में, ऑनलाइन फाइलिंग होती है इसकी, फाइलिंग रिक्वायर्ड फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स एमसीए के पास जाएंगे, एप्लीकेशन जाएगी स्ट्राइक ऑफ की कंपनी नेम की, गवर्नमेंट प्रोसेस करेगा, टाइम लेता है अप्रूव करने में स्ट्राइक ऑफ में, और नोटिस ऑफ स्ट्राइक ऑफ टू बी पब्लिश बाय एमसीए आफ्टर अप्रूवल, और ये फाइनल स्टेप होगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना तो कृपया वो लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों उसको ज़रूर दबा लें, उसको दबा के आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट मिलने वाला है, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों, पहले सब्सक्राइब फिर बेल आइकन। दोस्तों यदि आपकी कोई भी क्वेरी है कि हाँ जी स्ट्राइक ऑफ क्या है, किस तरीके से कंपनी क्लोज होती है, क्या प्राइवेट कंपनी भी क्लोज हो सकती है, ओपीसी कंपनी तो होती होती हैं, ओपीसी को क्लोज कराने में कितना समय लग जाता है, कौन करता है, किस तरीके से करता है, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से प्रोसेस पूरा होता है, क्या ईजी है, क्या मुश्किल है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 9990694230 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे अपनी जो भी क्वेरी है उसके बारे में पता कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी मुझे मेल भी कर सकते हो। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9990694230, मैं अगेन रिपीट कर दिया है मैंने, और दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरी सहायता करूंगा। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो ना माना जाए, ना समझा ना जाए, ना लिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि किस तरीके से 1% कंपनी क्लोज होती है, आप भी करा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश करी है, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इस वीडियो को बनाने का। दूसरी बात ये है कि कृपया लाइक और कमेंट करते रहें, आपके लाइक और कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं कि मैं नया कंटेंट बना पाऊँ। आप मुझे ये भी कमेंट करें इस वीडियो के नीचे कि मैं अगला टॉपिक क्या बनाऊँ, किस चीज़ को रिलेटेड आपकी डिमांड है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके रिलेटेड जो भी कमेंट होंगे उस पर टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, तो अपने कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उनका इंतज़ार करता हूँ, तहे दिल से इंतज़ार करता हूँ, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। Thank you so much.